हेलो गाइस, बिहार कांस्टेबल फोरम को आज अप्लीकेंट फीस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे क्या अप्लीकेंट फीस लग रहा है और क्या लगना चाहिए, क्या अनिवार्य है, क्या अनिवार्य नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप जनरल, ओबीसी, ईबीसी, अदर स्टेट आप अगर हैं, आप यहाँ पे 675 रुपये का यहाँ पे फीस अनिवार्य है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ 675 रुपये आपको देना अनिवार्य है। और दोस्तों, वहीं पे अगर एसी एसटी से हैं तो आपको 180 रुपये में बिल्कुल आपका यहाँ पे फॉर्म फिलअप हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि अप्लाई डेट क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं यह जो फॉर्म शुरू हुआ है 20/6/2023 से शुरू हुआ है और इसका लास्ट डेट है 20/7/2023। यानी आपको एक मंथ का टाइम दिया है। अगर एक मंथ में जितना भी फॉर्म कलेक्ट हो जाता है सभी इसमें सक्सेसफुल रहेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे अलग से टाइम नहीं मिल पाएगा। और दोस्तों, यहीं पे बात करते हैं बिहार कांस्टेबल रिक्वायरमेंट एज लिमिट के बारे में। तो दोस्तों, मिनिमम यहाँ पे 18 साल एज है और मैक्सिमम 25 साल। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो अपने सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट में ज़रूर देख लें कि मेरा 18 साल से ज़्यादा है और 25 साल से कम है, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी हो सकते हैं। तो दोस्तों, यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था। और दोस्तों, बिहार कांस्टेबल का ऐसे ही से न्यू अपडेट जानने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके और अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।